हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुपर्णा और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर्णास कुकबुक में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही में बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आज मैं आप लोगों के लिए गाजर के हलवे की बहुत ही आसान एक रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको आप 20 से 25 मिनट के अंदर अपने घर पर बना के तैयार कर सकते हो, वो भी कम से कम घी और चीनी के साथ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें एक टेबल स्पून घी गरम करेंगे और उसमें थोड़ी सी किशमिश और काजू जिसमें हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए होगा उसे हम फ्राई कर लेंगे। अब हम उसी घी में कद्दूकस किए हुए आधा किलो गाजर को ऐड कर देंगे और इसे 4 से 5 मिनट तक के लिए बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही हमारा गाजर फ्राई होता है हमें उस पर ऐड कर देना है 1 कप दूध और इसे अच्छी तरह से मिला के ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट तक के लिए दूध में उबाल आने तक वेट करना है। जैसे ही दूध में उबाल आता है इसमें हमें ऐड कर देना है 4 टेबल स्पून चीनी और इसके साथ ही हमें इसमें ऐड करना है ड्राई फ्रूट्स। आप अपने पसंद के अनुसार इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लें और इसे मिलाने के बाद हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है ताकि इसका जो मॉइस्चर है, दूध जो है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले और हमारा जो गाजर है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमने जो दूध इसमें ऐड किया था वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हमें स्पैचुला की मदद से या आप कच्ची यूज़ कर रहे हो तो उसकी मदद से इसे दबा दबा के थोड़ी देर के लिए इसमें स्मैश करना है। अब हमें इसमें ऐड करना है थोड़ा सा केसर और थोड़ी सी रोस्टेड इलायची पाउडर। केसर ऑप्शनल है और इलायची पाउडर ज़रूरी है, आप इसे अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। तो इसे थोड़ी देर मिक्स करने के बाद हमें इसमें ऐड करना है कंडेंस्ड मिल्क। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यह कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया है, आप चाहो तो मावा का इस्तेमाल भी कर सकते हो। मैंने कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया है इसीलिए मैंने शुगर जो है वो थोड़ी सी कम इस्तेमाल की थी। अगर आप मावा इस्तेमाल करते हो तो आप शुगर की क्वान्टिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हो। तो जैसे ही हमने इसमें कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया है उसमें से एक झाग जैसे निकलने लगी है और का मतलब इसमें से मॉइस्चर जो है वो फिर से रिलीज करना स्टार्ट हो चुका है। अब हमें इसे 4 से 5 मिनट तक और पकाना है और इसका जो घी हमने ऐड किया था इसमें वो घी रिलीज होने तक हमें इसे अच्छी तरह से पका लेना है। तो आप भी देख सकते हो इसमें हमने कोई भी कलर, फूड कलर यूज़ नहीं किया है और गाजर का हलवा हमारा बहुत ही परफेक्ट तरीके से बन के तैयार है। गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे थोड़ी सी फ्राइड काजू और किशमिश के साथ इसे सर्व करें। और आपको गाजर के हलवे की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।